हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लास। सो आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके लिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न के रिगार्डिंग एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। सो ये एक ऐसा बेसिक सेंटेंस पैटर्न टॉपिक है जो लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हाँ, अगर आप इंग्लिश ग्रामर की प्रेपरेशन कर रहे हो तो भी आपको सेंटेंस में क्या लगाना है, कौन सी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फॉर्म क्लास है, कहाँ पर लगेगी, उसके लिए भी ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैं हिंट देता हूँ आपको। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद एडवर्ब होती है, या वर्ब के बाद एडजेक्टिव होता है। सो ये है कि आपको कंप्यूटर एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हो उसमें सेंटेंस में क्या कहाँ पर लग सकता है, उन सभी के जवाब इस एक टेस्ट सीरीज में। और हाँ, इसी के रिगार्डिंग एक एक्सप्लेनेशन इस वीडियो की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है पहले। अगर आपने नहीं देखी तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल उस वीडियो को देखना है, पहले वाली अपलोड की गई वीडियो को देखना है। जो वीडियो किसके बारे में थी, बेसिक सेंटेंस पैटर्न के बारे में थी। सो जो मॉक टेस्ट है यहाँ पर, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको सेंटेंस दिए गए हैं और हर एक सेंटेंस में आपने क्या करना है, उसके बाद उसका पैटर्न नंबर लिखना है। उन पैटर्न नंबर सिर्फ एक वर्ड में लिखना, जैसे पैटर्न नंबर वन, पैटर्न नंबर टू, आपने सिर्फ क्वेश्चन के आगे सिर्फ नंबर लिखना है। इतना काम है, छोटा सा काम है। और जितने सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को करने में आपको बहुत ही कम वक्त लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा, अगर आपने पहले वाली वीडियो को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुना है, समझा है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत आती है तो घबराने की जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके आंसर्स के लिए, आपकी समझ के लिए एक वीडियो हमारे चैनल द्वारा पहले ही अपलोड की गई है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन्हें सॉल्व करना है। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस द पार्टी वाज आफ्टरवर्ड, द गेम वाज यस्टरडे, द डीन इज इन, द फोर्थ क्वेश्चन है डोनाल्ड कंटिन्यूड माई फ्रेंड डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, द चीफ सीम्ड अ गुड फेलो, नेक्स्ट है जोनास हैड मेड अ बैचलर फॉर रीजंस ऑफ हिज ओन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे वर ड्रिंकिंग देयर मॉर्निंग कॉफी, नेक्स्ट सम टेक्स्ट बुक्स रीड वेरी स्लोली। यहां पर आपने थोड़ा सा चेंज करना है, यहां पर आपने लिखना है सम टेक्स्ट बुक्स आर रेड वेरी स्लोली। नेक्स्ट है द शेरिफ वॉज लीडिंग द पुल्स, नेक्स्ट है द वायलिन टोन साउंड्स रादर स्क्वीकी, नेक्स्ट द डिशेस हैव बीन वॉश्ड, ही प्लेड अ गेम ऑफ चेस विद मी, द डीलर सोल्ड मी एन एयर मैट्रेस, द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली आफ्टर द मेन एक्ट, द गवर्नर स्टेड द एग्जीक्यूशन। तो ये हमारे सेंटेंसेस है आज के लिए, और आपने इनका सिर्फ सिंपल सा आंसर देना है क्या, एक वर्ड में। जैसे जो फर्स्ट सेंटेंस, अगर आपको लगता है कि ये तो पैटर्न नंबर वन है, तो आपने सिंपली इसके आगे क्या लिखना है, वन, ओके। और हाँ, इनके जो आंसर्स हैं उनके लिए आपको एक दिन का मैं वक्त देता हूँ, और 24 आवर्स में इनका आंसर देना है, और 24 आवर्स एक वीडियो और अपलोड होगी जिनमें बताया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा प्रॉपर डिटेल में कि कौन सा पैटर्न कौन सा है, कौन सा सेंटेंस कौन से पैटर्न में आता है, ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।